रोज आप यदि एक ही तरह से सब्जियां बनाएंगे तो स्वाद भी लगभग सेम ही आता है और एक ही तरह का स्वाद खा के सभी लोग बोर हो जाते हैं। तो आइए आज हम बिल्कुल नए तरीके से और नए स्वाद वाली भिंडी टमाटर की सब्जी बनाकर तैयार करेंगे। जिन्हें भिंडी खाना पसंद नहीं है वो भी इस सब्जी को मजे लेके खाएंगे। तो नमस्कार, पापा मम्मी किचन में आप सभी का स्वागत है। इसके लिए मैंने 250 ग्राम भिंडी ली है जिसको मैंने साफ धोकर के पोंछ लिया है। तो यहाँ मैं आपको बता देती हूँ भिंडी आप किस तरह से काट के तैयार करें। अभी एक भिंडी को ले लेंगे, इसके इधर वाला पार्ट और इधर दोनों पार्ट हमें निकाल लेना है और बीच में से काट करके देख लेना है। इस तरह से चीरा लगा के देख लेंगे, इसके अंदर कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं है। यदि भिंडी कीड़ा वाली है तो उसको आप अलग कर लें। ये भिंडी एकदम परफेक्ट है। इसी के साथ भिंडी खरीदते समय आप ध्यान रखें भिंडी कच्ची होनी चाहिए। तो आप कैसे चेक करेंगे एक भिंडी कच्ची है या नहीं, वो मैं आपको बता देती हूँ। अब कोई भी भिंडी ले लें, इसका नौका तोड़ के देख ले, ऊपर से आराम से टूट रहा है, इसका मतलब ये भिंडी कच्ची भिंडी है। पक जाती है तो हार्ड हो जाती है, वो भिंडी हमें नहीं लेनी है, वो खाने में घास की तरह लगती है। इस तरह से मैंने सभी भिंडी को काट लिया है। जो बड़ी बड़ी भिंडी है उसको हमें दो पीस में कर लेना है, उसको हमें साबुत नहीं रखना है। बिसाइड में मैंने कढ़ाई में तेल गर्म कर लिया है, इसके बाद में जो भिंडी हमने काट कर रखी है वो इसमें डाल दें और भिंडी को हम हल्का सा सौते कर लेंगे। इस तरह से भिंडी को पका लेने से भिंडी का कलर भी मेंटेन रहता है और भिंडी का लेस है वो खत्म हो जाता है। ये हम थोड़े तेल में बना रहे हैं इसलिए इसको ऊपर नीचे करते रहे, ये सभी भिंडी एक जैसे पक्के तैयार हो। इसको हमें बहुत ज्यादा नहीं पकाना है, बहुत ज्यादा पकाएंगे तो भिंडी ज्यादा सॉफ्ट हो जाती है, वो खाने में अच्छी नहीं लगती है। अभी आप देख पा रहे हैं भिंडी के मुंह भी खुलने लग गए हैं और भिंडी थोड़ी सॉफ्ट हो गई, थोड़ा सा कलर भी चेंज हो गया है। भिंडी को लगभग मैंने 60% तक पका दिया है, बहुत ज्यादा हमें भिंडी नहीं पकाना है। अभी इसको हम निकाल लेंगे। तो आप देख पा रहे हैं भिंडी ने तेल को बिल्कुल एब्जॉर्ब नहीं किया है, तेल वैसा कि वैसा कढ़ाई में दिख रहा है। अभी हम गैस को बंद कर देंगे। अभी यहाँ पर मैंने दो टमाटर लिए हैं और टमाटर को हमें बड़ा बड़ा ही काट लेना है। इस तरह से आप दो पीस में कर लें। आज की रेसिपी खास उनके लिए है जिसको टमाटर खाना बहुत ही पसंद है और इसके इधर थोड़ा सा ये ब्लैक वाला पार्ट है उसको हमें निकाल लेना। इसी के साथ यहाँ पर मैंने तीन हरी मिर्ची ली है, ये तीखी वाली हरी मिर्ची है, इसको हम बीच में से थोड़ा सा काट लेंगे। पूरा नहीं काटना है, सिर्फ चीरा लगाना है, इस तरह से चीरा लगा देना है। यदि आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो मिर्ची ज़्यादा भी ले सकते हैं। ये तीखी वाली मिर्ची है इसलिए मैंने तीन लिए, यदि फीकी वाली मिर्ची है तो 4 से 5 भी ले सकते हैं। अभी साइड में हमारा तेल गर्म ही है, इस गर्म तेल में इस तरह से टमाटर डाल देते हैं। टमाटर को हमें काट के नहीं डालना है, खाली हमने दो दो पीस कर लिए हैं। इसी के साथ जो मिर्ची हमने काटी थी वो बीच में डाल देते हैं, मिर्ची बीच में अच्छे से पक जाएगी। गैस को इस समय हमें मध्यम ही रखना है। टमाटर को हमें बहुत ज्यादा नहीं पकाना है, इसे हल्का सा पकाना है, 1.5 से 1 मिनट के लिए बस। यदि आपको टमाटर का क्रंच पसंद आता है तो आप इसे ज्यादा नहीं पकाएं, इसे आप 50% ही पकाएं। यदि आपको सब्जी में सॉफ्ट टमाटर पसंद है तो आप इसे ज्यादा पका सकते हैं, मैं इसको बहुत ज्यादा नहीं पकाऊंगा। जैसे रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं तो टमाटर पके हुए होते हैं, उसी तरह से हम बनाएंगे। देखिए टमाटर हल्के सॉफ्ट हो गए, इस टमाटर को हम निकाल लेंगे और मिर्ची भी हमारी देखिए बहुत ही अच्छी पक गई। तो आप देख पा रहे हैं आज की रेसिपी बहुत ही स्पेशल बन के तैयार हो गई। अभी इसमें से जो तेल बच गया है हम थोड़ा सा तेल बाहर निकाल लेंगे, ये लगभग मैंने 1 टेबल स्पून जितना तेल बाहर निकाल लिया। अभी इसे हम साइड में रख देंगे और यहाँ पर मैंने एक मिक्सी का जार लिया है और इसमें 2 टेबल स्पून जितना सूखा नारियल का पीस डाल देते हैं। यदि आपके पास सूखा नारियल नहीं है तो नारियल का बुरादा भी डाल सकते हैं। ये मैंने गोले वाला नारियल है उसको ही मैं छोटे टुकड़ा में काट लिया है, ये क्या घर में सभी के अच्छे से मिल जाता है। इसी के साथ यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून जितना सूखा धनिया लिया है, आका धनिया डालने से इसमें फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और 1 टीस्पून जितनी सौंफ डाल देते हैं, सौंफ आपके पास मोटी वाली या पतली वाली जो भी हो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून जितना जीरा लिया है, ये भी इसमें डाल देते हैं। ये सब भी थोड़ी थोड़ी डालेंगे पर इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। 7 से 8 कलियां लहसुन की डाल देते हैं, यदि आप लहसुन नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर मैंने 1 इंच जितना अदरक का टुकड़ा लिया है, इसको भी हम रफली काट के इसमें डाल देंगे और ढक्कन लगा के इसे हम दरदरा ही पीस लेंगे। तो आप देख पा रहे हैं इस तरह से हमने इसका दरदरा पेस्ट बना लिया है और पेस्ट की खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। अभी साइड में हमारा तेल गर्म ही है तो इसमें हम थोड़ी सी हींग डाल देते हैं, तो लगभग मैंने 1/4 छोटा चम्मच जितना हींग डाल दिया है। यदि आपकी हींग स्ट्रांग हो तो थोड़ा कम डालें। यहाँ पर मैंने लगभग 2 टेबल स्पून जितना तेल रखा है, आपको ज़्यादा पसंद हो तो आप ज़्यादा रख सकते हैं या कम डालना हो तो कम भी डाल सकते हैं। अभी हींग अच्छे से पक गई है और जो हमने मिक्सी के जार में मसाले पीस के रखे थे वो इसमें डाल देते हैं। इन सबको अच्छे से इसमें पका देंगे, इसे इनका कच्चापन निकल जाएगा। आज को इस समय हमें स्लो और मीडियम के बीच में कर देना है जिससे मसाले हमारे अच्छे पकेंगे। इन मसालों का फ्लेवर भिंडी में बहुत ही अच्छा आएगा। अब मसाले को लगभग मैंने 1 से 1.5 मिनट तक पका लिया है।
और मसाले हमारे बहुत ही अच्छे पक गए हैं। अभी यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं जिसको महीन महीन काट लिए हैं, ये इसमें डाल देते हैं और प्याज को भी इसमें अच्छे से पका लेते हैं। यदि आप प्याज नहीं खाते हैं तो प्याज स्किप कर सकते हैं, आगे का प्रोसेस सेम रहेगा। थोड़े से प्याज इसमें डालते हैं पर इसका सब्जी का स्वाद बहुत बढ़ जाता है। जैसे रेस्टोरेंट में सब्जियां बनकर तैयार होती है वैसा ही टेस्ट इसका आएगा। प्याज का हमें ज्यादा कलर चेंज नहीं करना है, हल्के से सॉफ्ट हो जाना चाहिए। जब तक ये प्याज पक रहे हैं तब तक साइड में मैंने एक बाउल लिया है और उसमें आधा कप जितना दही डाल देते हैं। दही हमेशा फ्रेश होना चाहिए क्योंकि इसमें फ्रेश दही का टेस्ट है वो क्रीमी आएगा। आज की रेसिपी में टमाटर को हमने साबुती रखा है इसीलिए हम दही का इस्तेमाल कर रहे हैं, दही की खटाई इसमें अच्छी लगेगी। अभी इसमें 1/4 छोटा चम्मच जितना हल्दी पाउडर डाल देते हैं और 1 छोटा चम्मच जितना धनिया पाउडर डाल देते हैं और 1 छोटा चम्मच जितना कश्मीरी लाल मिर्ची डाल देते हैं और 1/2 छोटा चम्मच जितना नमक डाल देते हैं। तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा डाल सकते हैं। और 1 छोटा चम्मच जितना मैंने गर्म मसाला लिया है, ज़्यादातर मैं गर्म मसाला एंड में डालती हूँ पर इसमें हमारे को गर्म मसाला पहले ही डालना है और सबको हमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब मसाले हम दही में पहले से ही मिक्स कर लेते हैं तो दही हमारा फटता नहीं और मसाले भी अच्छे से फूल जाते हैं। अभी साइड में हमारे प्याज भी देखिए सॉफ्ट हो गए हैं पर हमें इतना ही सॉफ्ट करना है, इसका कलर चेंज नहीं करना है। अभी जो दही का मसाला हमने बना के रखा है वो पूरा मसाला इसमें डाल देंगे। इस तरह से दही डालने से इसका स्वाद भी अच्छा आएगा और खाने में बहुत क्रीमी बनेगा। दही डालते ही हमारे फटाफट चलाना है। अभी मसाला हमारा अच्छे से पक जाए इसके लिए हमने दही वाले बर्तन में थोड़ा पानी डाल दिया है। इस चीज का ध्यान रखें, भिंडी डालने के बाद में हमें पानी नहीं डालना है, पानी हमें पहले डालना है जिससे कि मसाला अच्छा से पक जाए। भिंडी की सब्जी में कभी भी आप भिंडी डालने के बाद में पानी नहीं डालना। अभी मसाले में से भी आप देख पा रहे हैं कि तेल अच्छे से छूट गया है, तेल अच्छे से छूट जाता है उसके बाद में हमें जिस भिंडी को पका के रखा है वो भिंडी इसमें डाल देते हैं। यहाँ मैं आपको याद दिला देती हूँ कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लग रही है नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिख के हमें जरूर बताएं। यदि आपको अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें और फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ जो टमाटर हमने पका के रखे हैं वो भी इसमें डाल दें। टमाटर के मैंने छिलके नहीं निकाले हैं, आप चाहे तो छिलके निकाल भी सकते हैं। इसी के साथ टमाटर को मैंने आधा आधा ही रखा है, आप चाहे तो टमाटर को और भी छोटा कर सकते हैं। हमारे घर में सबको टमाटर इस तरह से बहुत पसंद है। अभी एक बार इसको हम अच्छे से मिक्स कर लें। अभी इस भिंडी को हम 2 मिनट के लिए ढक्कन लगा के रखेंगे, इसे भिंडी के अंदर तक अच्छे मसाले चले जाएंगे। तो भिंडी तो हमारा अच्छे से पक गई है क्योंकि 60% हमने पका लिया था और बाहर निकलने के बाद भी अपनी गर्मी में थोड़ी देर ये भिंडी पक जाती है। खाली 2 मिनट के लिए ढक्कन लगा के रखेंगे। अभी भिंडी को पकाते हुए लगभग 2-3 मिनट हो गए हैं, ये मैंने स्लो और मीडियम आंच में पकाया है। तो आप देख पा रहे हैं भिंडी में से तेल अलग हो गए हैं और दिखने में कितनी सुंदर लग रही है भिंडी। अभी इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं, हरा धनिया हमें लास्ट में डालना। इस तरह से हमारे बिल्कुल ढाबाई स्टाइल में मसालेदार साबुत भिंडी बनकर के तैयार हो गई है। इस भिंडी की सब्जी इतनी स्वादिष्ट होती है कि यदि आपको भूख भी नहीं है फिर भी आप रोटी खाने के लिए बैठ जाएंगे और भूख लगी है तो 2 रोटी ज्यादा खाएंगे। और मेरी स्टाइल में यदि सब्जी बनाएंगे तो झटपट भी बन जाएगी और आसानी से बन जाएगी। मैं मेरे घर में इस गर्मा गर्म सब्जी को रोटी के ऊपर सर्व करती हूँ, आप चाहे तो चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं। दोनों ही तरह से खाने में ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।